कोरोना वायरस के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए महायुद्ध में जीत हासिल करने के लिए किए गए लॉकडाउन के दौरान जो प्रवासी मजदूर नगर परिषद नेरचौक एरिया में फंसे हैं, उन्हें प्रशासन व नगर परिषद के संयुक्त तत्वाधान में निशुल्क राशन मुहैया करवाया जा रहा है। ये राशन गाड़ियों में भरकर इन प्रवासी मजदूरों को उस जगह पर पहुंचाया जा रहा है जहां पर ये मजदूर ठहरे हैं। प्रवासी मजदूरों को राशन मुहैया करवाने के लिए क्षेत्र के कई समाजसेवी लोग प्रशासन की मदद के लिए आगे आ रहे हैं। स्थानीय समाजसेवी लोगों द्वारा जारी की गई आर्थिक मदद से प्रशासन गरीब असहाय व प्रवासी मजदूरों की मदद भी कर रहा है ताकि संकट की इस घड़ी में किसी को कोई समस्या न हो और कोई व्यक्ति भूखा ना सोए। SDM बल डॉक्टर आशीष शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि समाज सेवी लोगों द्वारा रेड क्रॉस में दान देने का क्रम लगातार जारी है। नेरचौक के अमन ठाकुर ने 10,000 और छोटू ठाकुर ने 21,000 की राशि SDM के माध्यम से रेड क्रॉस सोसाइटी को भेंट की है। SDM बल ने इन दानी सज्जनों का आभार व्यक्त किया, साथ ही उन्होंने इस संकट की घड़ी में दानी सज्जनों से खुलकर प्रशासन की मदद की अपील भी की। 10 नंबर वार्ड में जा रहे हैं और हमारा प्रशासन जो है नायब तहसीलदार जयमल सिंह जी और इनके साथ रेवेन्यू डिपार्टमेंट के 3 पटवारी हमारे साथ में जिस दिन से लॉकडाउन उस दिन से जुटे हुए हैं और हर जगह कोने कोने पे प्रयास है कि सबको जो है राशन देने की कोशिश कर रहे हैं। मैं नवनीत पार्षद रूपलाल चौधरी नगरपद नेरचौक। मैं प्रशासन का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, डिप्टी कमिश्नर मंडी और SDM बल आशीष शर्मा जी का। जिस दिन से हमारे इस बल में लॉकडाउन हुआ उस दिन से हमारा प्रशासन बुरी तरह से जुटा हुआ है और नगर स्वच्छ के 11 वार्डों में आज तक हमने एक बार राशन सप्लाई कर दिया है और कोई भी बाहर के कोई भी झुग्गी वाला या कोई भी व्यक्ति अभी तक ऐसा नहीं रहा किसी भी गांव में किसी भी वार्ड में जिसको हमने 2 बार राशन ना दिया हो। और हमारी सरकार का पूरा प्रयास है कि कोई भी प्रवासी अभी तक ऐसा ना रहना चाहिए जिसके पास कोई राशन खाने के लिए सामग्री ना मिली हो। और जैसे कि कल हम 9 नंबर वार्ड कंसा में 100 परिवारों को अपनी जो भी हमारे को राशन जहाँ से भी मिल रहा है उसको हमने 100 परिवारों को कल बांटित कर दिया है।